टीबी को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, यानी हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। विश्व टीबी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने टीबी मुक्त पंचायत पहल, एक संक्षिप्त टीबी निवारक उपचार और टीबी के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल का आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय स्तर पर शुभारंभ किया। साथ ही साथ पीएम ने भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 का अनावरण भी किया। आज विश्व टीबी दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जन भागीदारी की भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। वर्ल्ड टीबी डे पर आइए हम एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए टीबी को खत्म करने की दिशा में योगदान देने का संकल्प लें। अगर बात करें विश्व टीबी दिवस के इतिहास की तो अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी रोग के लिए जिम्मेदार माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी। उनकी यह खोज आगे चलकर टीबी के निदान और इलाज में बहुत मददगार साबित हुई। इस योगदान के लिए इस जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। यही वजह है कि हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन टीबी के सामाजिक, आर्थिक और सेहत के लिए हानिकारक नतीजों पर दुनिया में पब्लिक अवेयरनेस फैलाने और दुनिया से टीबी के खात्मे की कोशिशों में तेजी लाने के लिए ये दिन मनाता आ रहा है। गौरतलब है कि मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित एनटीबी समिट के दौरान पीएम मोदी ने निर्धारित समय से 5 साल पहले साल 2025 तक टीबी से संबंधित एसडीजी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत का आह्वान किया था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, निक्षय मित्र पहल जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।